अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मिस स्टाइलिस्ट नुशरत। तो आज हम बनाएंगे फ्रिल विद अम्ब्रेला कट स्लीव। अम्ब्रेला भी है और उसके पे फ्रिल भी लगी है, तो ये सुंदर सा स्लीव डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ये कपड़ा लेना है और उसे इस तरह डबल फोल्ड करके रख लेना है। अब हम पहले ऊपर की आस्तीन का निशान लगाएंगे, यानी अपर पार्ट, जो आस्तीन जो है सिर्फ कोहनी तक ही आएगी। तो इस तरह हमें उनका निशान लगाना है और हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी है 12 इंच, 11 इंच आनी है, 1 इंच हमने लिया एक्स्ट्रा सिम अलाउंस के लिए। यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना 6 इंच और 3 इंच डिप देते हुए इस तरह, जिस तरह स्लीव कटती है सिंपल से, उस तरह स्लीव की कटिंग, सॉरी, इस तरह निशान लगा लेना। फिर उसके बाद उसकी कटिंग कर देनी है। ये निशान लग गया, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इसी तरह सेम। इस तरह इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इसके जो नीचे का पार्ट है ना, बेल निकालेंगे। इस तरह इसकी कटिंग हो गई है। चलिए जी निकालते हैं दूसरा हिस्सा। तो इस तरह हमने कपड़ा लेना है, उसे डबल फोल्ड करना है, ट्रायंगल में एक बार फिर से फोल्ड करना है और अब हमें यहाँ पे इसकी बेल निकालनी है। तो 3 इंच पहले यहाँ एक निशान लगाएंगे क्योंकि फिटिंग हमारी 6 थी, और यहाँ पे भी 3 लगाएंगे, खुलने के बाद 6 हो जाएगा। और 6 इंच लेंथ रखनी है इसकी, क्योंकि हाफ हाफ इंच जाएगा ऊपर नीचे सिलने में, बचेगा 5 इंच। तो इस तरह भी निशान लग गया। अब इसकी भी सेम इसी तरह कटिंग कर लेनी है। चलिए जी ये देखें, अम्ब्रेला स्लीव वैसे 3/4 स्लीव ही बन के आएगी, फुल स्लीव में इस टाइप की स्लीव अच्छी नहीं लगती है। तो ये बन गया है, ये इसकी कटिंग हो गई है, खुलने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा ये। अब हम इसकी फ्रिल काटेंगे, जो ऊपर एक और फ्रिल लगी थी ना, उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने कपड़ा लिया है और इस तरह उसको पहले हमने डबल फोल्ड करके रख लेना है। ये 20 इंच लंबा है और 6 इंच लेना है। तो इस तरह निशान लगाना 6-6 इंच पे, इस तरह सीधी पट्टी काट के निकाल लेनी है। तो देखें जी कुछ इस तरह कटिंग होके सीधी पट्टी निकलेगी। 6 इंच चौड़ा है और 20 इंच लंबा, यानी डबल कपड़े में तो 40 इंच हो जाएगा। तो पहले हमने क्या करना है, अब हमें इसको सिल के दिखाना है कैसे सिलना है इस कपड़े को। तो पहले देख लीजिए, ये है स्लीव और ये इसका फ्रिल, तो इस तरह कुछ आएगा। चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना है। तो पहले बेल को लेना है, इसे पूरा डबल फोल्ड करते हुए सिल देना है, 1 सेंटीमीटर ही फोल्ड करना है। तो देखिए जी ये सिल गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी फ्रिल तैयार करनी है पहले। तो फ्रिल के लिए जो हमने ये कपड़ा लिया था ना, पहले उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे से 1-1 सेंटीमीटर फोल्ड कर देंगे, पहले इस तरह फिर इस तरह, तो दोनों तरफ पूरा फोल्ड करना है। तो दोनों को से इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। देखिए जी इस तरह सिलाई लग गई है। अब हम क्या करेंगे, कपड़ा सीधा करेंगे, सीधे साइड हमें फ्रिल लगानी है। पहले हम फ्रिल लगा लेंगे, उसके बाद हम स्लीव पे से अटैच करेंगे। तो फ्रिल लगाने के लिए 1/2 इंच ऐसे मोड़ना, फर्स्ट फ्रिल में इस तरह पिन लगा लेना है ताकि कपड़ा डिसबैलेंस ना हो। तो 1/2 इंच पे ही इस तरह फ्रिल लगाते हुए जाना है। तो इस तरह हमें पूरे में फ्रिल लगा लेना और हम सिलाई करेंगे 1 इंच नीचे, एग्जैक्ट ऊपर नहीं सिलेंगे, 1 इंच नीचे आके। अच्छा, पहले तो इस तरह मशीन में से होल्ड कर लेना है और आप क्या करना है, पूरे में इस तरह 1/2 इंच पे ही फ्रिल लगा देनी है, पूरा पूरे कपड़े को अच्छे तरह एडजस्ट करना है और 1 इंच नीचे ही सिलाई करनी है, एग्जैक्ट ऊपर नहीं करना है। तो इस तरह पूरा फ्रिल तैयार कर लेना है। चलो जी फ्रिल तैयार करके दिखाते हैं आपको। अच्छा जी ये देखिए फ्रिल बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे सीधा करना है और इस पर आयरन ज़रूर कर लेना है। फ्रिल करने सिलने के बाद आयरन करने से सेट हो जाएगा कपड़ा। अब हम इसे स्लीव पे अटैच करना बताएंगे कि इसे स्लीव पे अटैच कैसे करना है। तो उसके लिए पहले हमें स्लीव को बेल के साथ इस तरह जोड़ लेना है, जो उसका दूसरा पार्ट था, और इस तरह करके पहले इन दोनों को सिल लेना है। या पिन लगा सकते हैं या फिर इसी तरह सिल सकते हैं। तो ये दोनों दोनों को इस तरह पकड़ते हुए सिल लेना है। जब हम इसकी सिलाई कर लेंगे उसके बाद हम बताएंगे फ्रिल कैसे लगेगी। तो देखिए जी ये फ्रिल लेना है और फ्रिल को स्लीव के ऊपर रखना है, एटलीस्ट 3 इंच ऊपर रखना है, जो बेल स्लीव थी ना उससे 3 इंच ऊपर ही रखना है। यही के लिए जहाँ पे हमने बेल स्लीव अटैच किया तो उससे 3-3 इंच ऊपर रखना है और इस तरह पहले पिन लगा लेनी है इन दोनों को मिला के, और उधर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ना फ्रिल से, उसे आप काट के हटा सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, इस तरह पिन लगाने के बाद सिल लेंगे। तो जहाँ पे हमने फ्रिल की सिलाई की थी ना, एग्जैक्ट हमने वहीं पे मशीन से ही सिलना है।
तो ये दोनों को पहले जोड़ते हुए इस तरह सिलाई करेंगे, देख लेना किस तरह। पिन निकाल के कपड़े को रखते हुए उसी पे सिलाई करेंगे। आप चाहे तो पहले ली सिलाई खोल सकते हैं बाद में, या तो उसे भी रहने दे। देखिए 1 इंच नीचे ही हमने सिलाई की है, जिस तरह हमने फ्रिल बनाई थी सेम उसी पे हमने सिलाई की है। और लेकिन स्लीव को और फ्रिल को, जो फ्रिल को थोड़ा ऊपर रखना है बेल स्लीव से ही, तब एक दूसरे की लेयर आएगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो चलिए जी, इस तरह ये सिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी फिटिंग देंगे। आप चाहे तो सिलाई खोल भी सकते हैं एक सिलाई, या तो फिर रहने दें। चाहिए कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए पहले हमें क्या करना है, दोनों को पिन से सिक्योर कर लेना है, ताकि जब सिलने उसकी फिटिंग देना तो कपड़ा ना डिसबैलेंस ना हो। ये देखिए दोनों को मिला के पिन लगा लिए। पिन थोड़ा दूर पर लगाना, वरना प्रेशर फुट के नीचे आ जाएगा तो सुई टूट जाएगी। तो इस तरह हमने दोनों तरफ पिन लगा लिया है। अब एग्जैक्ट इसी तरह पकड़ते हुए, बराबर करते हुए कपड़े को इसमें फिटिंग का निशान लगा देना है। और उसके बाद उसकी सिलाई कर देनी है, और फिर इसे कुर्ती और टॉप में जिस पे आप बनाना चाहे उस पे अटैच कर सकते हैं। चलिए जिसकी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं पहले, फिर देखिए इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बीड्स भी लगाई है। हाँ, हर फ्रिल के ऊपर मैंने एक एक बीड्स लगाई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।